भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज इलाके के बजरंगबली मंदिर के समीप एक घर में हिस्सेदारी मांगने को लेकर आए दिन एक परिवार में भाई बहन के बीच बराबर लड़ाई झगड़ा होता नजर आ रहा है। यहां तक कि एक दूसरे को जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। समाज के लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लगातार इसी तरह लड़ाई झगड़े से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक स्थिरता व माहौल भी बिगड़ जाता है। बताते चले कि अरुण शाह के घर में उनकी बेटी हिस्सेदारी मांगने को लेकर काफ़ी शोर शराबा करती है। अरुण शाह ने तीनों बेटी को दान दहेज देकर शादी करा दी। एक बेटी IGMS में जॉब करती है, दूसरी बेटी का पति रेलवे ड्राइवर है और तीसरी बेटी करीब 2 साल से वहीं अपने मायके में रहती है। उसका कहना है कि हमारे पति कमाते नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, मैं इसी हिस्से से अपना गुजर बसर करूँगी। अरुण शाह का पुत्र अमित कुमार का कहना है कि पिताजी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। वहीं समाज वाले राजकुमार यादव सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह कैसा नियम बनाया है जिससे लगभग हर घर में बेटी की शादी हो जाने के बावजूद हिस्सेदारी की बात को लेकर आए दिन मार झगड़ा हो रहा है। एक अरुण शाह हमारे समाज में बिजनेसमैन हैं, हाँ, इनका बेटी से बार बार झगड़ा होना, बेटी बार बार भाई को मारना, बाप को मारना, ये पूरा समाज मुख दर्शक बन के देखते रहता है। ये दोनों मुख मतलब ये दोनों को देखते रहता है, डर से बोलता नहीं समाज। समाज का लोग बोलता है कि ये लड़की तीनों मिलकर के उसी पर टूट पड़ती है। हमारे समाज का जो दुर्दशा है, ये सब दोषी हमारा समाज का लोग है, क्योंकि सब कोई डरता है महिला से। महिला के लिए महिला आयोग है, मर्द के लिए कोई आयोग नहीं है। महिला जो कहेगी वही सत्य है। आज के डेट में ये हमारा हाल है हमारे देश का, दुनिया का। और गांव में भी ये आए दिन मारपीट तो लगभग मुख्य कारण क्या है, क्या मुख्य कारण बोलती है हमको हिस्सा दो, जबकि शादी ब्याह देखिए विधि भर शादी ब्याह तिलक दे करके पढ़ा लिखा करके ब्याह कर दिया। अगर हिस्सा का मालिक कोई है तो ये अरुण शाह की बहन हो सकती है। बेचारे सब बैठ के दुकान पे दुकान चलाती थी, भाई के साथ बाप के साथ हाथ में हाथ मिला के कमाई है। और ये लड़की सब को हम पहचानते नहीं कि तीनों का क्या नाम है, क्या है। इन लड़कों स्टैंडर्ड से पढ़ाई किया, शादी भी किया, अच्छे अच्छे घर में दिया, उसके बाद भी कहता है बाप को तुम वही साथ हो, फिर भी कहते हमको वही साथ हो। ये क्या आग लगा चुका है हमारा सरकार जो नियम बनाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ। सुबह बाबूजी अपने रूम में लेटे हुए थे और उनके कमरा में आग लग गया। हमको मेरे भी कमरा में ताला लगा हुआ था दोनों साइड से, और बाबूजी का कमरा खुला हुआ था, वो तो चीखते हुए उतरे नीचे। उसके बाद थाना पे गए और सुबह पेट्रोलिंग में गाड़ी आई हुई थी पुलिस की, तो उन लोगों ने आके आग बुझाई। उसके बाद जा कर के थाना पे बुलाया गया, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन वहाँ पर से आया नहीं। उसके बाद तीनों बहन आकर के अचानक से हमको गाली गलौज करने लगी और घीस तीर करके मेरा सीना नोच ली। क्यों गाली गलौज करने? विरोध करने पे। गाली मेरे वाइफ को क्यों दे रही हो जबरन? क्यों गाली दे रही है? गाली मतलब कि बोल रही है कि हमको हिस्सा चाहिए, हमको खर्चा चाहिए, कमाएंगे हम लोग, खर्चा देंगे उस लोग को। कितने बहन है? 3 बहन है, 2 भाई है। तो बहन का शादी हो चुकी है? तीनों का बहन का शादी हो चुका है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उनके एक मेरी बहन IGMS में जॉब कर रही है, और सबसे छोटी वाली का बहन उसका हस्बैंड रेलवे ड्राइवर है, और तीसरी वाली लगभग 1-2 साल से यहीं पे रह रही है। वो पति पे झूठा आरोप लगा करके बोल रही है कि हमको कमा के नहीं खिलाता है, ये आरोप लगा करके वो यहाँ पे बैठी हुई है। आप कौन है? हम उसके बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।